BBC just released a documentary on Modi. मोदी विरोध के नाम पर अपनी रोजी रोटी चला रहा देसी और विदेशी लिबरल गैंग फिर एक्टिव हो गया है। ये गैंग पीएम मोदी के खिलाफ बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर जगह जगह पर तमाशे कर रहा है। इस लिबरल जमात को उछलता देख अब इस पूरे विवाद में पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। पाकिस्तानी पत्रकार, डिप्लोमेट और नेता सब इस वक्त बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत के खिलाफ एक टूलकिट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आपको याद होगा कि ब्रिटेन की संसद में पाकिस्तानी मूल के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया था। इसके बाद सबसे ताजा मामले में पाकिस्तान के एक पत्रकार ने अमेरिका में इसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने इस पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती बंद कर दी। ये पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका भले ही पाकिस्तान को पालता है, भारत के खिलाफ कई कदम उठाता है, लेकिन इस मामले में अमेरिका ने पाकिस्तान के एजेंडे को चकनाचूर कर दिया। अमेरिका भी जानता है कि एक साजिश के तहत बीबीसी ने गुजरात दंगों पर यह डॉक्यूमेंट्री बनाई है। खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बोल चुके हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री में जिस तरह से पीएम मोदी को दिखाया गया है, मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं। ऐसे में अमेरिका बेवजह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा और क्यों पाकिस्तान के इस पत्रकार की चालाकी में फंसेगा? आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पाकिस्तानी पत्रकार ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर पीएम मोदी पर सवाल उठाए, तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर वो पाकिस्तानी पत्रकार अपनी पत्रकारिता भूल जाएगा। नेड प्राइस ने पाकिस्तानी पत्रकार को जवाब देते हुए कहा कि आप जिस डॉक्यूमेंट्री का जिक्र कर रहे हैं, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि मुझे उन साझा मूल्यों की जानकारी है जो भारत और अमेरिका को दो संपन्न और जीवंत लोकतंत्र बनाते हैं। नेड प्राइस ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच गहरे राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत के साथ अमेरिका की पार्टनरशिप असाधारण रूप से गहरी हो गई है। बीबीसी जस्ट रिलीज्ड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन मोदी। I'm not aware of this documentary that you point to, but what I will say broadly is that there are a number of elements that undergird the global strategic partnership that we have with our Indian partners. There are close political ties, there are economic ties, there are exceptionally deep people-to-people ties between the United States and India.